हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आई एम सी एस रितु। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी आईटीसी के बारे में। आईटीसी की के चेयरमैन ने कुछ इम्पॉर्टेंट बातें बोली हैं, उसके बारे में बताऊंगी कि डीमर्जर से रिलेटेड उन्होंने कुछ इम्पॉर्टेंट बातें बोली हैं और आईटीसी होटल के बिजनेस के एक्सपेंशन से रिलेटेड उन्होंने जो कुछ इम्पॉर्टेंट बातें बोली हैं उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। आईटीसी के डीमर्जर की अगर बात की जाए तो डीमर्जर तो कंपनी का होना ही था, कोविड से पहले ही होना था इनफैक्ट, लेकिन कोविड आ गया और फिर ओवरऑल इंडस्ट्री अभी तक होटल इंडस्ट्री रिकवर नहीं कर पाई है। हालांकि आज एक न्यूज़ आ रही थी कि होटल के शेयर्स में 50% का सर्ज देखा जा रहा है, क्योंकि अब होटल इंडस्ट्री रिकवर कर रही है क्योंकि बिजनेसेस अब ओपन अप हो रहे हैं, वर्ल्ड ओवर सब ओपन अप हो रहा है, तो होटल इंडस्ट्री अब रिकवर कर रही है और जो भी एनालिस्ट हैं वो बहुत बुलिश हैं होटल स्टॉक्स के बारे में। तो आईटीसी के जो चेयरमैन हैं उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस में एक जो सैन फ्रांसिस्को में हो रही थी उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें बोली हैं, उसके बारे में मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी और इसके अलावा आईटीसी के शेयर प्राइस के टारगेट्स भी यहाँ पर मैं डिस्कस करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पर उन्होंने आईटीसी होटल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें बोली हैं। उन्होंने बोला कि होटल में उनका एक्सपेंशन लगातार चल रहा है, अभी ऐसा चल रहा है कि दे आर ओपनिंग अ होटल एवरी मंथ, ऐसा अभी इतना एक्सपेंशन फेज चल रहा है और वो एसेट राइट स्ट्रेटजी फॉलो करना चाहते हैं होटल बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। वो इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ भी देख रहे हैं, वो इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ के लिए एनालाइज कर रहे हैं कि उनको इंटरनेशनल मार्केट्स में भी वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आईटीसी होटल्स को इंटरनेशनली भी उसको फेमस करना चाहते हैं। इसके अलावा एक बात जो उन्होंने यहाँ पर बोली है डीमर्जर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है, उन्होंने ये बोला है कि हम जैसे ही कुछ फाइनलाइज होगा उसके बारे में देन हम कुछ बता पाएंगे, अभी तो कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ है, लेकिन एक्सपेक्टेड यहाँ पर यही है कि डीमर्जर जब भी होगा कंपनी का तो होटल बिजनेस को अलग किया जाएगा, क्योंकि होटल बिजनेस एक मेजर बिजनेस है कंपनी का, तो इस बिजनेस को सेपरेट किया जाएगा। लेकिन अभी डीमर्जर से रिलेटेड कोई मेजर न्यूज़ उन्होंने नहीं दी, बस इतना ही बोला है कि दे आर एक्सप्लोरिंग ऑप्शंस और होटल बिजनेस से रिलेटेड उन्होंने ये बोला है कि उनके न्यू होटल्स ओपन अप हो रहे हैं, अभी उनका एक दो होटल मोमेंटोज और स्टोरी के नाम से वो भी ओपन अप होने वाले हैं। तो ये थे इंपॉर्टेंट इंसाइट्स जो चेयरमैन साहब ने हमें बताए हैं अपनी मीटिंग में, जो उन्होंने बताए हैं। इसके अलावा अगर शेयर टारगेट की बात की जाए तो शेयर का प्राइस अभी 330 चल रहा है, अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है ये शेयर। तो यहाँ से टारगेट्स की बात की जाए, एनालिस्ट काफ़ी बुलिश हैं, 352 का टारगेट आ रहा है, 369 का टारगेट आ रहा है, इसके अलावा एक टारगेट तो 450 का भी आ रहा है और एक टारगेट 500 का भी आ रहा है। तो आईटीसी में तो एनालिस्ट काफ़ी बुलिश हैं। आपका क्या व्यू है, आईटीसी का शेयर कहाँ तक जा सकता है? ये था आईटीसी से रिलेटेड एक और सारा इंपॉर्टेंट अपडेट। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू अपना कीमती समय हमें देने के लिए और इस वीडियो को देखने के लिए।